मुझे लगता है कि गाने कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा भी जी जाते हैं, हमारे जाने के बाद भी लोग उन गानों को सुनते हैं। और मैं सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में अरुण क्या करता और मैं वो कर लेती। जानवी कपूर की बहुप्रतीक्षित थ्रिलर ड्रामा फिल्म उलझ लगातार चर्चा में है। फिल्म को सोशल मीडिया पर दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा फिल्म का गाना शौकन भी अब लॉन्च हो चुका है जो कि अब काफी ज्यादा फैंस पसंद कर रहे हैं। हालांकि गाने में जानवी और गुलशन देवैया के बीच शानदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इस गाने के लॉन्च के लिए मुंबई में बीते शुक्रवार को एक इवेंट रखा गया था जिसमें कई सितारों ने शिरकत की। इस इवेंट में अभिनेत्री जानवी कपूर, रोशन मैथ्यू, निर्देशक सुधांशु सरिया, संगीतकार शाश्वत सचदेव, गायक जुबिन नौटियाल शामिल रहे। इस दौरान जानवी ने शौकन का हुक स्टेप भी किया, अपने वायरल डायलॉग को लेकर भी बात कही। इसके साथ ही गायक जुबिन नौटियाल ने अपने आगामी गाने थोड़ा गलत को भी गुनगुनाया। इस दौरान फिल्म का एक और गाना आजा ओए भी बजाया गया जो वहां मौजूद लोगों को काफी पसंद आया। इस दौरान सभी सितारों ने फिल्म और इसके संगीत को लेकर बातचीत की। इस बीच जानवी को छेड़ते हुए एक सवाल किया गया कि गाने को लेकर चीकू की क्या प्रतिक्रिया थी, जिस पर अभिनेत्री मुस्कुराती हुई नजर आई। वहीं निर्देशक सुधांशु सरिया ने कहा कि वे इस टीम के साथ काफी सहज थे। इस दौरान उन्होंने गायक और संगीतकार शास्त्रव की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते कि लोग उनके गाने और सुने और पसंद करें। उन्होंने कहा कि हमने इस फिल्म को सामूहिक रूप से एक बेहतरीन मिश्रण बनाने की कोशिश की है जिसके गाने सभी दर्शक वर्ग के अनुकूल हैं। क्लब और पार्टियों में बजाए जाने वाले गाने शौकन के साथ फिल्म में वतन जैसा देशभक्ति गीत भी है। उन्हें उम्मीद है कि फिल्म और उसके गाने को लोग काफी पसंद करेंगे। जानवी कपूर ने कहा कि फिल्म में ट्रेलर से बहुत कुछ ज्यादा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब उन्होंने सुनी तब वे काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इस फिल्म के उनका किरदार बेहद अलग होने वाला है और इसमें मैं बेचारी नहीं लगेंगी। उन्होंने उम्मीद की है कि दर्शकों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी। वहीं रोशन मैथ्यू ने जानवी के साथ अपने वायरल को दोहराया जिसमें वे पूछते हैं कि अब बकरी क्या करेगी, तो जानवी कहती है अब बकरी शेर को खा जाएगी। रोशन ने फिल्म के ट्रेलर और गाने को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से काफी रोमांचित की और उन्होंने इस फिल्म में काम करने का मजेदार अनुभव भी शेयर किया। 100 न्यूज की रिपोर्ट।